नमस्कार दोस्तों, निखिल कंप्यूटर जबलपुर आप सभी का स्वागत करता है। और आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको हमारे पोर्टल से यूटीआई पीएसए से पैन कार्ड किस तरीके से बनाना है, तो उसी की जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देंगे। तो हम अपना पूरा वीडियो स्टार्ट करें, उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफाई बटन पर अवश्य क्लिक करिए। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करें। तो सबसे पहले आपको यूटीआई पीएसए की पीएसए में अपना आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद सबसे पहले हमको फॉर्म 49A सर्विस में जाके प्री फॉर्म एंट्री में क्लिक करना है। तो चलिए हम प्री फॉर्म एंट्री में क्लिक करें। उसके बाद स्टेटस ऑफ एप्लीकेंट आपका इंडिविजुअल रहेगा। उसके बाद आपका नाम जो रहेगा वो आपको आधार कार्ड के अनुसार डालना। अगर आधार कार्ड में आपका खाली सिंगल नेम है तो आपको लास्ट नेम में नाम लिखना है। ध्यान रखिएगा, नाम आपका आधार कार्ड के अनुसार रहेगा, वहीं आपकी जन्म तिथि भी आपकी आधार कार्ड के अनुसार रहेगी। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। उसके बाद हम फादर नेम डालेंगे। उसके बाद आपको जो रेसिडेंट स्टेट है वो डालना है। वहीं यदि मदर सिंगल पेरेंट है तो आप उस पर मदर वाले ऑप्शन पर यस क्लिक करके मदर नेम भी डाल सकते हैं। इसके बाद हम आधार नंबर डाल के चेक आधार पे क्लिक करेंगे। हमें दोबारा आधार नंबर डालना पड़ेगा, हम री एंटर आधार नंबर डालेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, पूरी प्रोसेस हमारे द्वारा आपको बताई जाएगी। ये देखिए, हमारा आधार कार्ड पैन कार्ड से अभी लिंक नहीं है। इसके बाद आपको आधार कार्ड के अनुसार ही नाम डालना है। उसके बाद आपको जो POI, POA और PO प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, तीनों जगह आधार कार्ड का ऑप्शन क्लिक करके उसके बाद हम मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालेंगे। हम अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल देते हैं। इसके बाद हम कार्ड डिस्पैच एड्रेस, कम्युनिकेशन एड्रेस डालेंगे। वहीं यदि 18 साल से कम उम्र का बच्चा होगा तो उसके लिए हमें रिप्रेजेंटेटिव एड्रेस में क्लिक करना पड़ेगा। वहीं 18 साल से अधिक उम्र के मेजर कैंडिडेट का हमें कम्युनिकेशन एड्रेस पर सिलेक्ट करके कार्ड बेस्ट टाइप में नॉर्मल सिलेक्ट करके सबमिट पर क्लिक करना। इसके बाद हमारे पास एक कूपन नंबर आ जाएगा, इस कूपन नंबर को आप अलग से नोट कर लीजिएगा। इसके बाद फिर फॉर्म 49A में जाएंगे। अब हम मेन फॉर्म एंट्री में जाएंगे। ये कूपन नंबर हमारा आ चुका, हम उस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमको यहाँ पे दो कॉलम भरना है। एक आपका 7वें नंबर का कॉलम रहेगा। ध्यान रखिएगा, मेन फॉर्म एंट्री के बाद हमें दो कॉलम भरना है। एक 7वें नंबर का कॉलम जहाँ पर हमें एड्रेस डालना है, इसी एड्रेस पर हमारा पैन कार्ड बन के बाई पोस्ट आएगा, इसीलिए एड्रेस बिल्कुल सही डालिएगा। और इसके बाद हमको एक और कॉलम भरना पड़ेगा, 13 नंबर के कॉलम में नो इनकम या जो भी हो आपका वो, और उसके बाद सीधे आखिरी में 16 नंबर। हमें एक मेन फॉर्म में जाके सिर्फ तीन कॉलम भरना है। वहीं यदि 18 साल से कम उम्र का माइनर कैंडिडेट रहेगा तो हमें उसके लिए 14 नंबर कॉलम भी भरना पड़ेगा। जो 18 साल से अधिक उम्र के कैंडिडेट हैं इसीलिए इनका हमें 14 नंबर कॉलम नहीं भरना है। ये हम एप्लीकेशन सबमिट पर क्लिक करके ओके करेंगे। फिर हम फॉर्म 49A सर्विस में जाके अपलोड डॉक्यूमेंट पे जाएंगे। अपलोड डॉक्यूमेंट में जाके हमें अपलोड फाइल पे क्लिक करना है। अपलोड फाइल पे क्लिक करने के बाद हमने जो फॉर्म भरा है उस फॉर्म को पूरा हमें स्कैन करके अपलोड करना है। साथ ही साथ हमें कैंडिडेट का आधार कार्ड, फ़ोटो साइन, ये सभी यहाँ पर हमें अपलोड करना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ पे अपने पूरे दस्तावेज़ों को अपलोड करते हैं। ये हम एक एक दस्तावेज स्कैन करके यहाँ पे अपलोड कर देंगे। ये हम पहले फॉर्म स्कैन करेंगे। फॉर्म में आपको अब फ़ोटो और साइन लगाना है।
ये हम फोटो और साइन लगा के फॉर्म को अपलोड करेंगे। साइज बनाने की प्रोसेस आपको ऊपर दी हुई है कि आपको क्या रखना है। फॉर्म में आपका 200 DPI, फोटो आपकी 300 DPI और सिग्नेचर आपके 600 DPI और जो साइज है वो सभी यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे आपको फॉर्म, फोटो, साइन और आधार कार्ड लगा के स्कैन करके अपलोड करना है। तो चलिए इस प्रोसेस को हम थोड़ा आगे फॉरवर्ड कर देते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो। ये देखिए, ये हमारी PDF बन चुकी है। इसके बाद इसी PDF के ज़रिए ही हम अपने फ़ोटो और साइन को स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। हमें सिर्फ फ़ोटो पे क्लिक करना है। ये देखिए, ये हमारे पूरे दस्तावेज अपलोड हो चुके हैं, ये पूरी PDF हो गई है। पहले हम अपलोड फाइल में जाके पूरी PDF लगा देंगे, फिर अपलोड एंड क्रॉप फाइल में जाके फ़ोटो और साइन अटैच कर देंगे। यहाँ से हम पहले PDF लगाएंगे अपनी। इसके बाद हम अपलोड PDF फाइल पे क्लिक करेंगे। UTI PSS पैन कार्ड बनाने में फ़ायदा ये रहता है कि इसमें आप वर्तमान की फ़ोटो तथा साइन लगा सकते हैं, और यदि आपके ग्राहक के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो भी आप UTI PSS पैन कार्ड बना सकते हैं। अब इसके बाद हमको फ़ोटो लगाना है तो हम फ़ोटो पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम फ़ोटो पे क्लिक करेंगे तो ये हमें फ़ोटो को क्रॉप करने के लिए दे देगा। अब हम यहाँ पे फ़ोटो को क्रॉप करेंगे। और इसी प्रकार से हम साइन भी क्रॉप करेंगे। ध्यान रखिएगा फ़ोटो और साइन बिल्कुल क्लियर रहें क्योंकि यही आपके पैन कार्ड में आएंगे। इसके बाद हम ड्रैग करके फ़ोटो और साइन को नीचे ले आएंगे। ये हम पहले फ़ोटो ले आएंगे, फिर इसी तरीके से हम साइन को भी नीचे ले आएंगे, और इसके बाद हम अपलोड पिक्चर एंड सिग्नेचर पे क्लिक करेंगे। अब हमारे फ़ोटो और साइन बकायदा अपलोड हो चुके हैं। इसके बाद हम फिर फॉर्म 49A सर्विस में जाएंगे और इस बार हमें जनरेट बैच पे क्लिक करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा जनरेट बैच पे क्लिक करना बहुत ही अनिवार्य है। जब तक आप जनरेट बैच पे क्लिक नहीं करेंगे आपका पैन कार्ड पूरी तरीके से सबमिट नहीं होगा। और इसके बाद हम जनरेट बैच पे क्लिक करके सबमिट करेंगे और अब हमारा पैन कार्ड की प्रोसेस पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। ये हमारी आखिरी प्रोसेस है और इसके बाद हम यहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं ट्रैक पैन एप्लीकेशन में जाके। तो इस यहाँ पे हम अपना टोकन नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और सबमिट बटन पे क्लिक करके हम चेक कर सकते हैं। यहाँ से आपका पैन कार्ड की जो प्रोसेस है आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको UTI PSS से पैन कार्ड बनाना है। आशा करते हैं कि आपको पूरी जानकारी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। फिर भी अगर किसी प्रकार की और अधिक जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, आप वहाँ से हम पे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जुड़े रहिए निखिल कंप्यूटर जबलपुर से। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।